हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से ये मानती है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति का क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब दूसरे पक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से राजनीति की जाती है तब बोलना पड़ता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा था, जब पहला प्रथम चक्र आया था, तब आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, ये कोविड बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, इस पर सजग हो जाइए, और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रोक दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को नमस्ते ट्रंप करना बंद कर दीजिए और इस पर गंभीरता दिखाइए। उस समय क्या हुआ था? उस समय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे सिस्टम को माना नहीं, और उसके बाद दूसरे चक्र में जो भयावहता हुई, जितने लोग मारे गए, वो सिर्फ केंद्र सरकार की नासमझी थी। और अभी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए केवल राहुल गांधी को टारगेट करके इस तरह का कुकृत्य को नहीं छिपाया जा सकता है। क्या कुछ तैयारियां हैं सर कोविड को लेकर के राज्य में? आज बैठक है केंद्रीय मंत्री के साथ। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया साहब के साथ VC है, और उनसे बातचीत होगी। उनके जो भारत सरकार के दिशा निर्देश होंगे, हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से ये मानती है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति का क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब दूसरे पक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से राजनीति की जाती है तब बोलना पड़ता है। तो VC में उनके क्या दिशा निर्देश होंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर हमारे राज्य से हमारा क्या ग्रीवांसेस है, सारे पर बात करके आपको बताएंगे। आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे विभाग की बहुत तैयारियां हैं। हमारे यहाँ 15 RT-PCR लैब स्थापित हो गए हैं, जीनोम सिक्वेंसी की मशीन लग गई है, कुबा 6700 भी लग चुका है, हमारे यहाँ 120 PSA प्लांट लग चुके हैं, 12638 के करीब हमारा बेड संरक्षित है। तो हमको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम इस बात को लेकर जरूर चिंतित हैं कि भविष्य में ये स्प्रेड नहीं हो, इसको लेकर और क्या व्यापक तैयारियां करनी होंगी। ट्रीटमेंट का बात होगा, टेस्टिंग का बात होगा, ट्रैकिंग का बात होगा, तो ये सारी चीज़ों पर भी कल हमने ACS हमारे अरुण सिंह जी के अध्यक्षता में एक बैठक किया था, उसमें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं, और आज की VC होने के उपरांत फिर हम बैठक करके फिर आगे की रणनीति बनाएंगे।